अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में कायदे कानून ताक पर रखकर स्वास्थ्य विभाग को ठेंगा दिखाते हुए संचालित माय सिटी हॉस्पिटल को आज उस वक्त सील कर दिया गया जब एक दिन पहले संचालकों ने खुद ही वहां ताले डाल दिए थे। ऐसा संचालकों ने हाजी याकूब कुरैशी पर शासन प्रशासन के कसते शिकंजे को देखते हुए किया गया। याकूब कुरैशी के रिश्तेदारों के नाम पर यह हॉस्पिटल संचालित हो रहा था। सील फैक्ट्री में मीट की पैकेजिंग करते पाए गए याकूब कुरैशी पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। एक लंबे अंतराल से यह अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था। लोगों के जीवन से खिलवाड़ यहां हो रहा था, लेकिन सीएमओ ऑफिस आंख बंद किए रहा। कागजी औपचारिकता निभाते हुए इसका संचालन होने दिया जाता रहा। याकूब कुरैशी के रिश्तेदारों के अलावा इस गोरख धंधे में सीएमओ कार्यालय के किस जिम्मेदार अफसर की गर्दन फंसेगी, अब यह देखना है। अपनी गर्दन बचाने की जुगत में लगे सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने अब जांच कमेटी गठित कर दी है। साथ ही दावा किया है कि दो दिन पहले ही उन्होंने उन चार पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया था जो मानक के अनुरूप नहीं चल रहे थे। क्या जन स्वास्थ्य के साथ यह खिलवाड़ बिना किसी संरक्षण अथवा मिलीभगत के संभव है, यह कहना मुश्किल है। यह हाल तब है जबकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर योगी सरकार बेहद सख्त है और अब वह IAS और IPS पर भी एक्शन ले रही है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में याकूब कुरैशी एक बड़ा नाम है। सरकार चाहे कोई यूपी में रही हो, लेकिन याकूब कुरैशी की मनमानी हमेशा चलती रही है। मेरठ शहर की सांसों के लिए बना नासूर कमेला भी याकूब कुरैशी के इशारे पर चलता रहा। सपा मंत्री आजम खां से पंगा लेने के बाद कमेला जमींदोज जरूर हुआ, लेकिन नगर निगम की मिलीभगत से याकूब मालामाल होता रहा। अब 2019 से याकूब कुरैशी की अलफहीम बंद है, लेकिन विगत दिनों पड़े छापे में खुलासा हुआ कि वहां अवैध रूप से मीट की पैकिंग हो रही थी। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार पुनः बनी तो 26 विभाग एकाएक ही सक्रिय हो गए और याकूब को नोटिस थमा दिए गए। अब शासन प्रशासन के डंडे को देखते हुए संचालकों ने खुद ही अवैध रूप से संचालित माय सिटी हॉस्पिटल पर ताले डाल दिए। मीडिया में सुर्खी बना तो सीएमओ विभाग को भी सोते में जैसे करंट लग गया। मीडिया ने बात की तो सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने यह सफाई देने की कोशिश की। पिछले दिनों में हमने ऐसे हॉस्पिटल्स जिनके बारे में शिकायत आ रही थी या जो हमारे यहाँ ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं थे, इस तरह के पैथोलॉजी लैब्स और हॉस्पिटल्स के हमने कार्रवाई शुरू की है। पिछले दिनों मैंने चार पैथोलॉजी लैब्स, दो कलेक्शन सेंटर, तो दो पैथोलॉजी लैब्स के सील किया है जिनके मानक अनुरूप या तो कागज़ नहीं थे या रजिस्टर्ड नहीं थे, उनके खिलाफ मैंने ऐसी कार्रवाई करते ही सील किया गया है। पिछले दिनों चार अलग अलग अस्पतालों में हमने जांच दल भेजा है जहाँ पे उनको नोटिस जारी किए हैं। ऐसे सभी अस्पताल जो कि मानक अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ी है। उन सब अस्पतालों को हमने अलग अलग समय नोटिस दिए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहाँ तक सिटी हॉस्पिटल का सवाल है, पिछले हमने दो तीन महीने में इनको दो तीन बार नोटिस दिए हैं, ये आज की तारीख में हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। हमने इनको दो या तीन नोटिस दे चुके हैं पूर्व के अंदर, इन्होंने हमारे नोटिस का अभी तक जवाब नहीं दिया है। अगर आगे मेरे को संज्ञान में आया है कि ये अस्पताल बंद हो गया है, मेरी टीम जांच करने गई है। मैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इसकी पूरी जांच करके और एक हफ्ते के लिए जांच के मैंने आदेश दे दिए हैं, और वो करके जो भी सख्त सख्त कार्रवाई किसी के भी खिलाफ, सिटी हॉस्पिटल या किसी भी खिलाफ, वो करी जाएगी। अच्छा सर, कब से रजिस्ट्रेशन नहीं था जो आपकी जांच में अभी तक निकल के आ रहा, जो जांच बिठाई आपने? जो जांच है, जब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है तब से इनका रजिस्ट्रेशन मेरे यहाँ अस्पताल में, इनका अस्पताल रजिस्ट्रेशन नहीं आया। आपको नहीं लगता सर जो रजिस्ट्रेशन विभाग है जो आपके यहाँ का, उनकी कोई लापरवाही है इस मामले में? बिल्कुल निश्चित लापरवाही है, इसीलिए मैंने जांच बिठाई है। जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।